Maybe Manik Chowk. मैं तिराहा सीधे ऊपर कोतवाली को जाता हुआ, लेकिन अभी अभी आज पहली बार मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मेरी पढ़ाई आयुष सिंह होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सालय, दुकानें धीरे धीरे बंद होती हैं, एक रास्ता अंदर राइट रास्ता होगा तो सीधे वही बड़ा बाजार रोड साइड दुकानें, लेफ्ट जाके रास्ता सीधे किले के किनारे किनारे सीधे जिला चिकित्सालय। कोतवाली का मेन गेट के लिए बहुत फायदेमंद, लेकिन जिस हिसाब से बताया जाता है बहुत ही खतरनाक। गुर्जेदर घुटना टेक चिंतानंद मनसापुरम मंदिर, रास्ता ऊपर बहुत ही शुद्ध मंदिर, काफ़ी बार दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हो सकता है हनुमान जी की अगर कृपा हुई कल दर्शन हो सकते हैं। गली में वास्तव में पंचमिया रोड में काली जी का बहुत ही भव्य मंदिर, उससे पहले कुशवाहा समाज का एक मंदिर दाहिनी तरफ महादेव का मंदिर है, क्योंकि पारिवारिक जो समाज हैं विभिन्न समाजों के लोग हैं, जैसे कुशवाहा समाज, माली समाज, धोबी समाज, क्योंकि सब ने अपने अपने मंदिर स्थापित कर लिए हैं, इस वजह से अब हमारे उन परंपरागत मंदिरों में भीड़ नहीं रहती। जैसे हमारे गायत्री सप्तरीश में कहते हैं पहले 3 से 5 बजे तक गुरुवार को भजन कीर्तन हुआ करते थे, अब वो क्रम बंद हो चुका है। कारण बहुत से हो सकते हैं, ये रास्ता जाता हुआ वही फेमस लक्ष्मी व्यायाम मंदिर कॉम्प्लेक्स दाहिनी तरफ स्कूल, बहुत बड़ी बिल्डिंग, पूरा ये घर चौराहे से, लेकिन यहाँ मंदिर था सेवा मंडल द्वारा ये चलाया जाता है।
पूरी कोशिश अपने पट बंद होने के पहले पहुंची। लेकिन शायद हो सकता है संभव ना हो, जस्ट मार्केट की चहल पहल कम होते हुए, लेकिन आज दो तीन मंदिरों में दर्शन करने का सौभाग्य मिला। है वैसे पहले वैसे ऐसा लग रहा था बारिश हो रही, बाबा की अतिथि कृपा जिसकी वजह से बारिश नहीं हुई और मैं रात के दर्शन करके करीब करीब डेढ़ घंटे में लौटता हूँ। ये मंदिर सेन समाज आगे जाके दाहिने में जो श्री राम जानकी मंदिर गायत्री शक्तिपीठ का अंदर का रास्ता हाथिया तालाब, आज लाइट नहीं जल रही है, समय हो गया।